रिस्पॉन्सिव मैंने का सिंपल सा लॉजिक है, अपना जो भी बनाना है बनाओ। यहाँ पे मोबाइल के लिए डेस्कटॉप के लिए मेन्यू अलग और मोबाइल के लिए मेन्यू अलग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अलग अलग इसे डिज़ाइन कर लिया। यह भी डेस्कटॉप के लिए मेन्यू तैयार कर रहे हैं। एक मेन्यू फिर इस हेडर से बाहर बनाएंगे जिसका नाम हमने दे दिया मोबाइल मेन्यू। तो सबसे अलग किसी के साथ नहीं रहेगा। और इस डेस्कटॉप मेन्यू के साथ एक आइकन की फाइल इंसर्ट कर दी कि एक आइकन शो करता रहेगा ये। तभी आउटपुट में यहाँ पे एक आइकन आएगा, लेकिन आइकन की फाइल लगाने के बाद फॉन्ट ऑसम। तो हमें यहाँ पे फॉन्ट ऑसम लगाना होगा। कंट्रोल वी रिफ्रेश, ये आइकन की फाइल आ गई। यहाँ पे हमने दिया था आइकन की साइज FA2X। तो बड़ा सा आइकन यहाँ पे दिख रहा है, अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहो। फिर ये मोबाइल मेन्यू है और ये डेस्कटॉप मेन्यू है, इनकी CSS हमें लिखनी होगी। और हम चाहते हैं कि जो मोबाइल मेन्यू है उस मोबाइल मेन्यू में एक क्लोज का आइकन दिखता रहे जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो क्लोज का आइकन दिखाई दे मेन्यू के ऑप्शन के साथ। कौन से मोबाइल मेन्यू के? सेव एस रिफ्रेश। तो क्रॉस का आइकन हमने शो करा दिया मेन्यू वाले के साथ। तो आप दोनों एक ही जैसे मेन्यू हैं। यहाँ पे हेडर के अंदर एक लोगो मेन्यू और एक आइकन है, यहाँ पे एक नॉर्मल मोबाइल मेन्यू जो कि अलग से है। एक हम बनाएंगे यहाँ पे इनपुट टाइप, इसका नाम देंगे चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को हमने एक आईडी प्रोवाइड की ताकि इसे हम CSS में कॉल कर सकें। इसका नाम सपोज हमने MMR दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस चेक बॉक्स को हमें सेलेक्ट कराना है, तो इसके लिए हमने एक लेबल बनाया। अब लेबल की खासियत होती है कि लेबल के अंदर जो भी कुछ लिखो वो तो लेबल के अंदर दिखेगा ही, प्लस लेबल में फॉर का यूज़ करके अगर हम कुछ लिखते हैं और इसमें सपोज किसी चेकबॉक्स की या फिर रेडियो बटन की आईडी इंसर्ट कर देते हैं तो वो उसे सिलेक्शन करने के काम में ले आता है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। दो बार क्लिक किया, एक बार क्लिक किया सेलेक्ट हुआ, दूसरी बार क्लिक किया अनसेलेक्ट हुआ। यही लॉजिक हम इसके साथ यूज़ करते हैं आइकन वाली फाइल के साथ भी, कि इसके ऊपर क्लिक करने पर ये काम हो। फिर यहाँ पे वही काम MMR, तो ये लॉजिक प्रॉपर काम कर रहा है। इसके आइकन के ऊपर क्लिक करो, ये भी सिलेक्ट होगा, ये लॉजिक काम कर रहा है। अब इसके ऊपर CSS प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये रही CSS कुछ। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है उसको अलग किया, थोड़ा सा गैपिंग आ जाएगी इसमें। दूसरा फिर हमने अप्लाई किया हेडर। सबसे पहले हमने हेडर को दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, पैडिंग और ओवरफ्लो हेडर। तो हेडर वाले डिप के साथ इस तरीके से कलर आ जाएगा। देन हेडर के बाद हमने हेडर के अंदर लेबल है आइकन वाला, उसको सेलेक्ट कराया ये। अब ये यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये यहाँ कहीं आ जाएगा, वो वहाँ कहीं आ चुका है। इसके साथ साथ अभी और काम करना होगा इसके ऊपर। यहाँ पे हमने बोला कि हमारे हेडर के अंदर ही लेबल के अलावा हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी है लोगो, उसको फ्लोट लेफ्ट कर दो। तो ये लोगो वाला फ्लोट लेफ्ट हो गया और वो राजेश में चला गया है। अभी यहाँ पे जो मेन्यू वाला डिव है, डेस्कटॉप मेन्यू वाला डिव, डेस्कटॉप मेन्यू वाले डिव को हमने फ्लोट राइट दे दिया।
तो डेस्कटॉप मेन्यू वाले टिप को हमने फ्लोट राइट दे दिया। यहाँ पे देख नहीं रहा था क्योंकि ये डिस्प्ले नन था। अभी देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और इसको कुछ भी नहीं दिया तो ये मिक्स कर रहा है इनके साथ। नहीं राइट है तो ये राइटेड है, ये पहले राइट हुआ है उसके बाद ये राइट हुआ है, इसलिए ऐसा है। हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करके रखा आइकन वाले को कि आइकन दिखाई नहीं देगा, दिखाई का दे रहा यूज़र केवल दो चीज़ें, ये और ये। और हमने क्या किया, और CSS डाल दिया कि डेस्कटॉप मेन्यू के अंदर ए टैग है, ए टैग को कुछ CSS दे दो इस तरीके की। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मोबाइल मेन्यू के अंदर ये है, इसका कलर ब्लू है, लाइन में ये कलर है, उसको सेव दे दिया इस तरीके का। कलर वाइट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मार्जिनल राइट पैडिंग 2% प्लस। इसके ऊपर अगर यूज़र माउस लेके जाए, अभी तो कुछ भी नहीं आएगा इफेक्ट, लेकिन जब रिफ्रेश करेंगे तो इसके ऊपर माउस ले जाने पे यूज़र को ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा। ये इससे हो गया। देन इसके बाद अब मोबाइल मेन्यू की बारी। मोबाइल मेन्यू को हमने क्या किया, अभी राइट अलग कर देते हैं, हमने इस तरीके से सेट करके रखा हुआ, ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हमने इसके ए को भी मॉडिफाई किया कि इसके अंदर के ए टैग को हमने दे दिया इस तरीके से CSS, कलर वाइड टेस्ट डेडिकेशन नन डिस्प्ले ब्लॉक थी, इस तरीके से आ गया। इसके ऊपर फिर माउस ले जाने पे कुछ कोडिंग होती है वो भी कर दी कि माउस ले जाने पे इसका बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा ब्लैक, तो यहाँ पे जब माउस लेके जाएंगे तो ब्लैक कलर से आ रहा है। ये CSS हमें दे के रखी हुई है। प्लस इसके बाद हम CSS दे देते हैं उसके अंदर के आइकन की, मोबाइल के अंदर लेबल में जो क्रॉस का आइकन, उसकी ये CSS हो गई। तो यहाँ पे ये आइकन यहाँ से हट के यहाँ पे सेट हो गया। अभी ये सारे कुछ सेट हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मेन्यू को हमने राइट से -35% कर दिया, मतलब ये चीज़ 35 ही है, वो अंदर चली जाएगी, ये गायब की तरह हो गई। अब यहाँ पर चेकबॉक्स है, ये भी है। अभी हमें क्या करना है, एट मीडिया ओनली स्क्रीन का कोड लगाना है, और 460 की स्क्रीन पे हम कोड लगा रहे हैं कि 460 मोबाइल की स्क्रीन पर ये प्रॉपर काम करे। और यहाँ पे हमने क्या किया, डेस्कटॉप के मेन्यू को हाइड कर दिया और मोबाइल वाले आइकन को शो करवा दिया। यहाँ पे ये चीज़ हाइड हो जाएगी, जब 460 के स्क्रीन पे ही रखेंगे तभी दिखाई देगा। 460 के स्क्रीन में डेस्कटॉप मेन्यू वाला हाइड हो गया और ये शो कर गया, ये काम हो रहा है। तो अभी जब मोबाइल की स्क्रीन पे वापस अलग करेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाएंगे तो वो आइकन अलग हो गया, ये मेन्यू आ गया, और यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे ये आइकन आ गया, मेन्यू अलग हो गया। अभी सब कुछ प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये लाइन अभी भी दिख रही है चेकबॉक्स, कोई नहीं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करें तब चेकबॉक्स तो सेलेक्ट हो ही रहा है लेकिन मेन्यू भी दिखाई दे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, मेन्यू मोबाइल मेन्यू और इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इसमें यहाँ पे ये चेक बॉक्स, ये मोबाइल मेन्यू, दोनों को साथ में हमने रखा है, इसलिए रखा, दोनों को साथ में ही रखना होगा क्योंकि दोनों के पेरेंट एक ही हों, एक साथ होंगे तभी ये काम करता है। तो दोनों को एक साथ ही रखना है, चेकबॉक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर मेन्यू होगा, जहाँ पर मेन्यू होगा वहीं पर चेकबॉक्स होगा। अभी इन दोनों के पेरेंट कौन है, इन दोनों का पेरेंट है बॉडी, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है, और किसी हेडर डिव के अंदर होते तो उनका पेरेंट वो होता। तो इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट दिखा रहा है कि बॉडी है। इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट भी बॉडी, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही है। तो दोनों का पेरेंट एक ही है, तो हम इसके बेस पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक कोडिंग राइट करेंगे, ये वाली हमारी चेकबॉक्स की आईडी का नाम है, चेकबॉक्स की आईडी का नाम है MMR। हमने बोला कि MMR अगर चेकबॉक्स चेक्ड है तो सेम पेरेंट सेलेक्ट करो जिनका पेरेंट, मतलब चेकबॉक्स का पेरेंट एक हो और मोबाइल मेन्यू का पेरेंट एक हो, दोनों का पेरेंट ऐसा एक हो, तो उस केस में सेलेक्ट करो इस लाइन को, मतलब ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जहाँ पे एक पेरेंट हो, चेकबॉक्स का भी और मोबाइल मेन्यू का भी, उसको सेलेक्ट करो, उस लाइन को सेलेक्ट करो, उसमें मोबाइल मेन्यू के अंदर जाके उसको राइट कर दो ज़ीरो, मतलब -35% था
तो अब ये राइट ज़ीरो हो जाएगा, रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो अनसेलेक्ट हो रहा है, वही काम हम यहाँ पे वही काम आइकन के ऊपर करवा रहे हैं, क्योंकि आइकन में भी क्लिक कर रहे हैं तो लेबल ही चेकबॉक्स ही सेलेक्ट होता है। अब हमने क्या किया, चेकबॉक्स को भी बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करा के रख दिया कि चेकबॉक्स भी दिखाई ना दे। यूज़र को समझ में नहीं आया कि हमने कैसे बनाया है इसे। यह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो नॉर्मल डेस्कटॉप का मेन्यू, मोबाइल पे जाएंगे तो ये मोबाइल का मेन्यू आ गया। 460 तक की स्क्रीन के ऊपर हमने कोडिंग किया, 460 से एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप का लेआउट ले लेगा वो, इसलिए हमें अपने हिसाब से आप रिस्पॉन्सिव कोडिंग कर सकते हैं।